नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। लगातार हम आपको पब्लिक के साथ बातचीत करवा रहे हैं। डेरा सच्चा सौदा के जो ब्रांच है यूपी में बरनावा, वहां पर हम पहुंचे हैं। यहां पर जो लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनसे भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका कैसा एक्सपीरियंस है डेरा सच्चा सौदा संस्था के साथ। नमस्कार मैम, आपका शुभ नाम? मेरा नाम अनीता है। अनीता जी, कितने समय से आ रहे हो आप डेरा सच्चा सौदा? 1990 से। कहाँ से आए हैं आप? शामली से। इतने दूर से मैम, आप इतनी ठंड में आए हो, आप यहाँ पर इतनी दूर यूपी बरनावा में आए हो? हमें बहुत कुछ मिल रहा है यहाँ से। हमारे गुरुजी ने हमें ऐसी शिक्षा दी है, कहने सुनने से परे। कितना विश्वास करते गुरुजी? बहुत ज्यादा, अथाह, कहने सुनने से परे। क्यों विश्वास करते हो? मतलब आपकी जिंदगी में ऐसा क्या बदलाव आया? सारे काम संवार दिए, बहुत कुछ किया उन्होंने, कहने सुनने से परे। समाज के लिए क्या किया उन्होंने? समाज के लिए सारे भलाई के कार्य किए हैं उन्होंने। वेश्याओं को अपनी बेटी बनाया है, बहुत सारे काम किए हैं उन्होंने। गरीबों के लिए क्या किया है? गरीबों के लिए तो फूड बैंक, उनकी शादियां, बीमारों का इलाज कराना, गरीब बच्चों को पढ़ाना, बहुत कुछ कार्य करे, कहने सुनने से परे। जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं उनके ऊपर झूठे हैं, बेबुनियाद। कभी भी आपने ऐसा महसूस किया? तब कौन आता फिर यहाँ पे, ये बताओ। कहने सुनने से परे उन्होंने काम किए हैं और घर में भी बहुत शांति है, स्वर्ग जैसा घर बन गया हमारा। मीडिया में जो दिखाया गया, चैनल्स, सब झूठे हैं, सब झूठा। आज भी आपकी पूरी फैमिली आती है आपकी घर से? हाँ जी, हाँ जी, पूरी फैमिली आती है। 4 सालों से ज्यादा समय हो गया संत जी समाज में नहीं है। आपको लगता है उनकी जरूरत है समाज? बहुत ज्यादा जरूरत है उनकी, बहुत ज्यादा। नशा फैल बढ़ता जा रहा है उनके नाने से, बहुत बुराइयां जो है फैल चुकी हैं दोबारा से, तो उनका आना जरूरी है। क्या अपील करना चाहोगे आप सरकार से? उन्हें जल्दी उन्हें रिहा किया जाए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार पब्लिक सामने आ रही है, इनका कहना है कि समाज में नशा फैलता जा रहा है जब से संत डॉक्टर गुरमीत राम रीम सिंह जिनसा समाज में नहीं है। लगातार संत जी की डिमांड हो रही है समाज में, आप भी देखते रहिए ऐसी सच्ची बातें फैक्ट्स के साथ द फैक्ट टाइम में। बहुत बहुत धन्यवाद।